एवरी स्टैंड वो सब्जेक्ट एरियस है, चैप्टर 7 है एनिमल्स अराउंड अस। ये चैप्टर आपका अभी एक्सप्लेन नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, वो पहले आपको कंप्लीट करवाती हूँ, ठीक है। वाइट बर्ड्स कॉल्ड कैटल ग्रेट लाइव नियर लार्ज एनिमल्स, जो होते हैं वो क्या होते हैं, नियर किसके रहते हैं, लार्ज एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो, सच एज काउज बफेलोज एंड एलिफेंट्स, दे डू सो बिकॉज दे ईट द इंसेक्ट्स दैट आर ऑन द बॉडीज ऑफ द कैटल। इग्रेस ऑफ्टन पर्च ऑन द बैक्स ऑफ लार्ज एनिमल्स इफ द बर्ड सेंस डेंजर द फ्लाई अवे दस वार्निंग द कैटल। ऑक्स पेकर आर स्मॉल बर्ड, ऑक्स पेकर क्या है, स्मॉल बर्ड्स हैं दैट राइड ऑन लार्ज एनिमल्स, वो क्या करता है, राइड लार्ज एनिमल्स के आसपास राइड्स करता है, सच रिनोज ऑक्सन एंड जिराफ्स एंड पैक द इंसेक्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। रिमोरास आर स्मॉल फिश द राइड ऑन टॉप ऑफ टर्ल्स, वो देखो रिमोरास क्या है, स्मॉल फिश हैं, वो किसके साथ राइड करती हैं, ऑन टॉप ऑफ टर्टल्स और लार्ज फिश फॉर प्रोटेक्शन एंड एक्सेस टू फूड। दे ईट द लेफ्ट ओवर स्क्रैप्स ऑफ द प्रे देयर हॉस्ट कंज्यूम्स, दे ऑल्सो एक्ट एज क्लीनर फिश। बट द ब्रेवेस्ट एनिमल ऑल इज द इजिप्शियन प्लॉवर, वो क्या है, ब्रेवेस्ट एनिमल है, इट इज़ अ टाइनी बर्ड दैट क्लीन्स द टीथ ऑफ क्रोकोडाइल, जो टाइनी मीन्स छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो देखो अभी आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया है कि क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हो रहा है और उसमें जो फ्लावर इज्यूलेट जो इनसाइड उसके अंदर जाता है वो कैसे खाता है उसको ये बताया है आपको, ठीक है। एंड द क्रोकोडाइल्स नेवर टू शट देयर माउथ, वो अपना माउथ क्या करता है, शट करता है, एंड ट्राई टू ईट, और खाने के लिए उसको ट्राई करता है। सम इंसेक्ट्स लाइक एंट्स एंड टर्माइट्स लिव इन कॉलोनीज, सम इंसेक्ट्स मीन्स जैसे एंट्स है टर्माइट्स है वो क्या है, कॉलोनीज में है होते हैं। लाइफ इन एंट एंड कॉलोनीज वेरी ऑर्गेनाइज, देयर नेस्ट कॉल्ड एंट एंट हिल मे बी अंडरग्राउंड इन अ माउंड और इवन और ट्री टॉप। देखो ये आपको एंट का हाउस बताया है, देखो एंट कैसे अपना एंट हिल बनाती है, देखो ठीक है। द क्वीन एंट लेज द लॉन्गेस्ट, इट्स लिट स्पेन वेरीज बिटवीन 10 and 20 years। द वर्कर्स डू मोस्ट ऑफ द वर्क, ऑल वर्कर्स आर फीमेल, दे केयर फॉर द क्वीन एंड हियर यंग बर्ड्स, वो अपने क्या करती है, केयर करती है। दे बिल्ड द रिपेयर देयर होम्स, दे ऑल्सो सर्च फॉर फूड एंड फाइट ऑफ एनिमीज, जो एनिमीज होते हैं दुश्मन उनसे भी वो फाइट करती हैं अपने चाइल्ड को बचाने के लिए। वर्कर्स यूजली लिव बिटवीन 1 to 5 years, मेल एंट्स आर अ फ्यू एंड दे ओनली लिव फॉर फ्यू वीक्स ऑन मंथ्स, जो मेल मीन्स मेल फीमेल जेंट्स लेडीज होता है वैसे, मेल मीन्स क्या, जो बॉय गर्ल, मेल मीन्स बॉय और मीन्स जेंट्स दोनों मीनिंग दोनों होता है, और फीमेल मीन्स लेडी होती है उसको फीमेल बोलते हैं, ठीक है। और मेल लाइव्स फ्यू एंड दे ओनली लिव फॉर फ्यू वीक्स, फ्यू वीक्स मीन्स थोड़े वीक्स ही वो लिव, और मंथ्स दे हैव द क्वीन एंड टू प्रोड्यूस यंग वंस एंड डाई शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, वो क्या होती हैं द यंग वंस को क्या करती हैं, यू एंड टू प्रोड्यूस एंड यंग वंस एंड डाई शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, वो शॉर्टली मीन्स शॉर्ट टाइम में वो डाई मीन्स मर जाती है, ठीक है। बीज द सोशल इंसेक्ट्स, बीज आर सोशल बाई नेचर एंड लिव इन कॉलोनीज, दिस कॉलोनीज कैन एग्जिस्ट फॉर सेवरल ईयर्स, द डोमेस्टिक हनी बीज ऑल्सो लिव इन कॉलोनीज, आपको हनी बीज आप देखते हो ना कितनी सारी होती हैं, एक दो होती है नहीं, बहुत सारी होती है। दे लिव इन बी हाइव मेड ऑफ वैक्स, नियरली 50,000 to 80,000 बीज लिव टुगेदर इन अ हाइव, अपने को कितनी दिखे कितना है उसका देखो बताया है 50,000 to 80,000 बीज लिव टुगेदर इन अ हाइव, उसका जो हाउस होता है उसमें इतनी सारी होती है। दे आर ऑफ 3 types ऑफ द क्वीन बी, वर्कर बीज एंड ड्रोन्स, दे एग्जिट डिविजन ऑफ लेबर लाइक ह्यूमन बींग्स, डिविजन ऑफ लेबर इज वेरी इसेंशियल फॉर हारमोनी वैन लिव इन अ ग्रुप्स, वो अपने को ग्रुप्स में देखने को मिलती है और वो ग्रुप में ही रहती है, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनिमल्स मूव अबाउट इन ग्रुप्स एंड दे फील सेफर वैन इन लार्ज नंबर, जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप्स में अपने को देखने मिलते हैं और वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम ग्रुप में ही सेफ हैं, इसलिए लार्ज नंबर में अपने को देखने को मिलते हैं।
Lion lives in jungles in groups called tribes. Birds also help each other in the group as we do. Bees are social by nature, living in colonies. ये क्या हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. अभी मैंने हार्वर्ड्स बोर्ड पे लिख दिए हैं. देखो लाइक मीन्स अच्छा लगना, टुगेदर मीन्स साथ में, डेंजर मीन्स जो बहुत डेंजर, कभी अब जो एनिमल्स होते हैं उनको कहीं एनिमल्स क्या होता है, कहीं डेंजर उनको एनिमल्स मिल जाता है तो उनको उनका चाइल्ड का क्या करना पड़ता है, कैप्ट इन द मिडल डेंजर्स टू नियर बाय एनिमल्स एंड इट्स यंग वन, उनकी यंग वन के लिए उनको सेफ्टी करनी होती है. कब मीन्स जो लायन का चाइल्ड होता है उसको कब बोलते हैं, एज मीन्स आपकी एज, आप कितने एज के हो, कितना ईयर्स हैं आपका. फ्यू मीन्स थोड़ा, शाय मीन्स शान, हार्म मीन्स जो नुकसान करता है अपने को वो, और केयर मीन्स जो हम किसी की भी केयर मीन्स कालजी जो भी बोलते हो, हेल्थ मीन्स मदद. ठीक है, अभी नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर. नंबर वन टिक द करेक्ट आंसर, आपको तीन ऑप्शन दिए हैं उस पर एक पे टिक करना है. अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स इज कॉल्ड ए प्राइड, बी पैक, सी स्वाम. तो आंसर आएगा पैक. आपको पैक पे मैंने टिक करके बताया है और फिलअप भी किया है. ठीक है, नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शाय एनिमल, ए डॉग, बी रैबिट, सी काउ. तो आंसर आएगा बी रैबिट. नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हेल्प्स क्रोकोडाइल्स इन क्लीनिंग, ए ऑक्सपेकर, बी कैटर ग्रेट एंड सी इजिप्शियन फ्लावर. तो आंसर आएगा इजिप्शियन फ्लावर. ये आपका क्या हो गया, टिक द करेक्ट आंसर आ गया. अभी आपको मैं ट्रू फॉल्स करवा देती हूँ जो आपको करने हैं. नंबर वन, एलिफेंट्स डू नॉट लिव इन ग्रुप्स. तो आंसर आएगा फॉल्स. देयर इज अ डिफाइंड टेरिटरी ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ वोल्स. तो आंसर आएगा ट्रू. नंबर थ्री, डॉल्फिन लिव इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल. आंसर आएगा ट्रू. नंबर फोर, द क्वीन एंट लिव्स द लॉन्गेस्ट इन ऑल द एंट्स दैट लिव टुगेदर. आंसर आएगा ट्रू. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ट्रू फॉल्स आपको और क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी. ये आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक और इसे लर्न भी करना है. थैंक यू.